की वीडियोस ऑन रहनी चाहिए. ओके, टर्न ऑन योर वीडियोस एवरीवन. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्टिविटीज. टुडे आई हैव सेंट यू द वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बैक एक्सरसाइज, राइट, फॉर द चैप्टर 5. इसके साथ ही बैक एक्सरसाइज करके आपका एक चैप्टर 5 फिनिश हो जाएगा एंड इन द नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर. ओके, तो आपने बैक एक्सरसाइज लर्न करनी है, उसको बुक्स में ही सॉल्व करना है. ओके, एंड इन द लास्ट आई हैव आल्सो एडेड डेफिनेशंस, द की टर्म्स आपके चैप्टर के लास्ट में दी होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, वो आपने ओनली लर्न करनी है. दोज डेफिनेशंस आर नॉट टू बी रिटन इन द नोटबुक. इज दैट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. एंड बच्चे, इफ यू प्लीज चेंज द सेटिंग्स ऑफ योर चैटिंग, योर आंसर शुड कम डायरेक्टली टू मी. One thing, yes, I'm getting the answer, son, but one thing to note here, I have asked main sources of energy. Sources. Sun is the main, one of the main sources of energy. It is the ultimate source of energy. But I'm asking you the other main sources also. So, listen to the question very carefully, okay? Main sources of energy. एंड मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने आपसे आपको 4 बताए हैं मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो बताने हैं आपको. 4 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर देयर. जब आप आंसर पूरा करेक्ट दे दोगे उसके बाद मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगी, बट अभी तक मुझे कंप्लीट आंसर नहीं मिला. नो, अभी तक मुझे करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट आंसर नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है. किसी ने ये लर्न ही नहीं किया, किसी ने रिवीजन ही नहीं किया. यू नीड टू वॉच वीडियो अगेन, यू रियली नीड टू वॉच दैट वीडियो अगेन. नो, दैट्स रियली सरप्राइजिंग. 3 करेक्ट लिख रहे हो, 1 और 2 आप रॉन्ग लिख रहे हो बीच में से. आप 4 आंसर्स डेफिनेटली दे रहे हो, बट उसमें 2 और 3 ही करेक्ट है, 1 और 2 उसमें से रॉन्ग ही जा रहे हैं. कृषांक, आपके भी 3 ठीक है, 1 इज रॉन्ग. बच्चे, ग्रेविटी इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स. ये आपने बैक एक्सरसाइज में भी किया है, MCQs में. Second question of MCQs, gravity is a type of, and you take, gravity is a type of force. It is not energy. Force of energy, no. Okay, Girisha has given the correct answer. Sun, fuel, light, and earth, no. Again wrong. Okay, let me show you the answer. It is sun, wind, water, and fuel. These are the main sources of energy on earth. और ये आप देखोगे, आप identify करो अगे अगर इनको, तो ये चारों चीज़ें जो हैं, ये चारों sources जो हैं, ये naturally हैं, इसमें man-made कुछ भी नहीं है. Okay, sun natural है, wind भी natural है, water भी natural है, and fuel is also natural, right? So these 4 are sources of energy. Okay, now the counter questions. Sun is the ultimate source of energy. Ye aapki statement hai. Yes, Abhinit, I will take your doubt after the activities. Okay. Sun is the main source of energy. It is the ultimate source of energy. Okay. तो आपको बताना है sun की जो energy है उसको क्या बोलते हैं. Write your answers in the chat box. सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, व्हाट इज दैट एनर्जी नोन एज, उसको क्या बोलते हैं. सन से मैंने आपको एक वर्ड बताया था,
आपने हमेशा सन से रिलेटेड वही वर्ड यूज करना है। आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्लास में चले जाओ, आपको वही वर्ड यूज करना है हमेशा। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड, सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग करेक्ट आंसर, सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग रॉन्ग आंसर, एंड सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग करेक्ट आंसर बट रॉन्ग स्पेलिंग्स। Okay, so let me tell you, it is solar energy. The energy that we get from earth is called solar energy. Okay, not sunlight, not light energy. Light energy is the part of solar energy. Because jo sun se hume energy milti hai, wo light bhi deti hai and heat bhi deti hai. So light and heat are the parts of solar energy. Theek hai? Sunlight to uska naam hi hai. Sunlight nahi hai, solar radiation jo जो सन की रेज आती है ना, उनको रेडिएशंस बोलते हैं। सो दीज आर वेरी हायर कॉन्सेप्ट्स मालविका। आई डोंट नो आपने कहाँ से ये वर्ड सुन लिया, रेडिएशन। सो सोलर एनर्जी, ओके, तो इस बात का ध्यान देना है आपने। आपको मैंने ये बताया था कि सन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसको सोलर नाम दिया जाता है। अगर कहीं पे भी वर्ड आप सोलर पढ़ोगे, इट मीन्स वो सन की बात कर रहे हैं। ओके, सो इट इज सोलर एनर्जी। ओके, सो सोलर एनर्जी का आप एक डिवाइस बताओगे जो सोलर एनर्जी यूज करता है। ये आज आपको बैक एक्सरसाइज में भी दिया है। अगर जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, उनको आंसर पता होगा। एक ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी पे वर्क करता है, यस, all the students are writing correct answers, solar panel, that's very correct. और अब लिखोगे energy transformation, जो solar panel device है वो कौन सी energy को कौन सी energy में change कर देता है। ये भी लिखना है कि कौन सी energy change होती है, ये भी लिखना है आपने, दोनों लिखनी है। energy transformation means टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, कभी कभी थ्री भी होती है, क्योंकि एक एनर्जी टू और थ्री फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको सारी चीजें इकट्ठी लिखनी है। यस अर्षदी, पार्थ, गिरीशा, वेरी गुड, अब करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। यस, सो द करेक्ट आंसर इज सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल्स दैट वर्क on solar energy, they convert solar energy into electrical energy. This is the energy transformation. Okay, now let us talk about wind. Jo wind se energy milti hai usko kya bolte hain? What do we call the energy that we get from wind? Kya bolte hain wo energy ko? Yes, it is very simple, very simple. Yes, correct, wind energy bolte hain. That's right. अब विंड एनर्जी तो बोलते हैं, अब आप बताओगे एक ऐसा डिवाइस दैट वर्क्स ऑन विंड एनर्जी, कौन सा डिवाइस है जो विंड एनर्जी पे काम करता है? विंड मिल्स, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। विंड मिल्स, विंड टर्बाइन्स, बोथ आर करेक्ट, यस। अब आप इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे आप। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है? जो विंड मिल्स है, जो ये एक डिवाइस है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, नो, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर लिख रहे हैं। हरगुण ध्यान से सोचो थोड़ा, ये विंड एनर्जी पे काम करता है। सक्षम सोनी, नो, वो एनर्जी नहीं है कोई। आपको बताना है कि आपने ये बता दिया कि विंड मिल जो है ये विंड एनर्जी पे काम करती है, तो विंड एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करती है, ये हुआ ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली जिस एनर्जी को यूज करके वो डिवाइस काम कर रहा है वो एनर्जी यूज करेगा। इट मीन्स एक तो एनर्जी आपके पास आ गई, आपको बस एरो डाल के दूसरी एनर्जी बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सोचो।
Yes, it is electrical energy. Windmills that operate on wind energy, they convert wind energy into electrical energy. Yes, correct. So let's talk about now water. Water से जो energy मिलती है उसको क्या बोलते हैं? What do we call the energy that we get from water? Yes, it is very simple, very simple. बहुत easy है ये. राघव चड्डा, ये स्टूडेंट जो आईडी यूज कर रहा है, बच्चे ध्यान से सोचो. आर्यन, ध्यान से सोचो. नयन भाटिया, नो, ध्यान से सोचो. यस, इट इज वेरी सिंपल, वाटर एनर्जी. ओके, तो जो स्टूडेंट्स ने वाटर एनर्जी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है. सक्षम, प्लीज चेंज योर सेटिंग ऑफ चैटिंग. आपका आंसर मुझे डायरेक्ट आना चाहिए. जसप्रीत कौर, यू टू. गुरशान सिंह ढिलो, आप भी सेटिंग चेंज करो. अनुरीत कौर, यस. सो वाटर एनर्जी बोलते हैं. अब आप बताओगे वाटर एनर्जी के जो प्रिंसिपल है वो कौन कहाँ पर यूज होता है. ब्रह्मजोत का पहले ही आंसर आ गया, उसको पता था कि मैम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं. यस, गिरीशा ने भी आंसर दे दिया है. जसमीत सिंह, ये आपने बहुत ही बड़ा आंसर दे दिया है. By the way, it is wrong. भूवी को नहीं पता है. ओके, वी विल डिस्कस. नो अर्षदीप, आपने बताना है कि जो ये वॉटर एनर्जी जहां पे यूज होती है वो प्लेस बतानी है कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे इसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, कौन सी प्लेस है. Yes, तो कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं दैट दे डोंट नो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं. सो लेट मी टेल यू, द आंसर इज डैम. जो डैम्स होते हैं, हमारा जो नियरेस्ट डैम है और इंडिया का बहुत ही पॉपुलर डैम है, दैट इज भाखड़ा नंगल डैम. भाखड़ा नंगल डैम, ये आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा है, वो डैम हमारे बहुत नियर है और वहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज होता है. ठीक है, वाटर कलेक्ट करके रखते हैं और वाटर को कुछ हाइट से अलाउ करते हैं नीचे गिरने में. नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं, फैंस जैसे होते हैं, तो वो वाटर जब उसके ऊपर गिरता है, टर्बाइंस चलती हैं और वहां पे एक जनरेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ओके. वैसे मैंने आंसर तो बता ही दिया है, बट फिर भी आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे यहाँ पे. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है यहाँ पे? वेरी गुड ब्रह्मजोत, सबसे पहले आंसर देता है. इट मीन्स उसको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है. दैट्स रियली गुड. काविश, ये एन क्या लिख रहे हो आप ओनली? आर्यन, अब आप नेक्स्ट आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है आपने यहाँ पे वाटर के केस में, वाटर एनर्जी के केस में. वाटर एनर्जी कौन सी एनर्जी में चेंज होती है? मैंने अभी जस्ट मैम ने बोला है. यस, वाटर एनर्जी कौन सी एनर्जी में चेंज होती है वो आपने ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है. यस, इट इज वाटर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट्स करेक्ट. डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर एनर्जी यूज करके. ओके, नेक्स्ट टाइप इज फ्यूल. फ्यूल बताना है आपने. फ्यूल से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है? फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है? यस, सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग फ्यूल एनर्जी, सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग केमिकल एनर्जी. So I would like to tell you that both are correct. Both are absolutely correct. ठीक है, क्योंकि fuel जो energy store करते हैं वो chemical energy ही होती है, उसको fuel energy भी बोल देते हैं. Okay, fuel energy थोड़ी particular term हो जाती है, chemical energy थोड़ी general term हो जाती है, but both are absolutely correct. ठीक है, तो जो दोनों बच्चों ने जो ये दोनों चीजें लिखी हैं बच्चों ने, दोनों की ही correct है. ठीक है, तो फ्यूल एनर्जी आपको पता चल गई है. तो फ्यूल एनर्जी के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी तरीके से हो सकती है.
वो आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हो अब आंसर. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. राइट डाउन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. यस इट्स ओके हरगुण. अब अभी आप आंसर लिख दो. यस वेदांश वेरी गुड. एक बहुत कॉमन आंसर तो देखो आपके पास है ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. यस बच्चे डीजल आर्यन डीजल पेट्रोल तो फ्यूल्स हैं, ये तो फ्यूल्स हैं. मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछ रही हूँ. जब कोई फ्यूल बर्न होता है तब वो हीट भी प्रोड्यूस कर देता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है. जैसे मैंने लास्ट एक्टिविटी में आपसे कोल आपको दिखा के पूछा था ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो केमिकल एनर्जी थी जो हीट और लाइट में कन्वर्ट हो गई. क्योंकि जब कोई फ्यूल बर्न होता है जैसे वुड ही है तो हमें लाइट और हीट दोनों देती है जस्ट लाइक सन. ठीक है, तो वो भी हीट एनर्जी भी ठीक है, लाइट एनर्जी भी ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो करेक्ट. ओके तो आई होप ये क्योंकि टॉपिक हमने टच नहीं किया था फॉर द लास्ट सम एक्टिविटीज कुछ पिछले लेसन से, तो यहाँ पे हमने कर लिया है बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे. नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं. आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. ओके अभी आप सिंपल मशीन्स डिस्कस करेंगे. नेम सिंपल मशीन्स. अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हमने 6 सिंपल मशीन्स करी हैं और 6 की 6 मशीन्स के नाम आप एक ही मैसेज में लिख के मुझे सेंड करोगे. वी हैव डन 6 सिंपल मशीन्स. इट्स ओके टेक योर टाइम. ठीक है अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिख के सारे आंसर्स एक ही मैसेज में करोगे. ठीक है अदरवाइज आपका आंसर फिर ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा. यूज सिंगल मैसेज. देव आई एम नॉट आस्किंग एनर्जी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल मशीन्स. कंसंट्रेट, सिंपल मशीन्स की बात कर रहे हैं. Malvicate is not about energy. What you people are doing? Simple machines की बात कर रहे हैं बच्चे. No, Dev, it's wrong. भाविनी example नहीं लिखनी है, machine का name लिखना है. वंशिका वाधवा, it is not correct. सक्षम, आपने device या फिर कोई example नहीं लिखनी, आपने पहले name लिखना है simple machine का. हरगुन बाय द वे वॉशिंग मशीन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन. जशिवा आपने 6 के आंसर्स एक ही बार में देने हैं. यस जपनीत का आंसर आया है बिल्कुल कंप्लीट बट थोड़ा सा रॉन्ग आया है. मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप सबसे पहले आंसर दो सबसे पहले आंसर दो. टेक योर टाइम थिंक, ध्यान से सोचो और फिर आंसर करो. गिरीशा अब आपने बिल्कुल कर अभी भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एक बीच में रॉन्ग है. ब्रह्मज्योत मैं आपसे आपको मैंने पिक्चर कोई दिखाई ही नहीं है सिंपल मशीन की, मैं तो आपसे नेम पूछ रही हूँ. आपने नेम ही बताना है उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगी. जानवी आपका भी आप सब बच्चे एक ही आंसर रॉन्ग लिख रहे हो एंड दैट आई कैन सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. एक ही आंसर आप रॉन्ग लिख रहे हो. एंड टू माय सरप्राइज ऑल द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सेम मिस्टेक इवन दो यू पीपल आर सेंडिंग मी द डायरेक्ट मैसेजेस स्टिल यू पीपल आर डूइंग सेम मिस्टेक. ओके वी विल डिस्कस this, definitely we will discuss this. So this is the answer. Simple machines कौन कौन सी हैं? Lever, screw, inclined plane, wedge, pulley, wheel and axle. अब जो mistake मैंने एक जो common mistake notice की है वो है कि आप wheel and axle की place पे only x लिख रहे हो. आप wedge लिख रहे हो but x लिख रहे हो. x जो एक
टूल है, इक्विपमेंट है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. एक्स वेज की एग्जाम्पल है. और व्हील एंड एक्सल, ये दो चीजें मिलके एक ही सिंपल मशीन बनाती हैं. ये दो चीजें अलग नहीं है. आपने इसको सेवन नहीं बना देना, ये एक ही चीज बनाती है दोनों चीजें मिलके. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, अभी आप जल्दी से लीवर की एग्जाम्पल लिखोगे. लीवर की एग्जाम्पल लिखेंगे, वन लिख दो, टू लिख दो, जितने आपको पता है उतनी आप लिख सकते हो. सीजर्स, यस, सीजर्स मैंने आपको करवाई थी. उसके इसके बाद भी मैं आपको बता देती हूँ, जो सीसा होता है ना, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जब आप छोटे थे तब खेलते होंगे, अभी भी खेलते होंगे, सीसा होता है, दोनों साइड में बच्चे बैठे होते हैं, बीच में वो जॉइंट होता है, वो भी लीवर है. ठीक है, और एक बैलेंस होता है ना, अगर आप सब्जी लेने गए होंगे, वो बैलेंस होता है, एक साइड पे वेट के स्टोन्स रखे होते हैं, दूसरी साइड पे सब्जी रखी होती है, वो भी लीवर की एग्जाम्पल है. ठीक है, क्योंकि वो बीच में से जॉइंट होता है, साइड्स में से वो ऊपर नीचे कर सकता है. ठीक है, तो सीसॉ, सीजर्स एंड बैलेंस, वेट, ठीक है, करने के लिए ये लीवर की एग्जाम्पल्स हैं. ओके, नाउ स्क्रू, स्क्रू की एग्जाम्पल लिखोगे आप जल्दी से. स्क्रू की एग्जाम्पल लिखोगे. ड्रिल मशीन, सतवीर कौर, वेरी गुड, क्योंकि उस पे भी ट्रेडिंग्स की होती है, उस पे भी उसको स्वर्ल्स लगाए होते हैं उसके ऊपर, वेरी गुड. स्क्रू ड्राइवर, नहीं, स्क्रू ड्राइवर नहीं, जो स्क्रू होता है, जो टूल होता है, वो स्क्रू की एग्जाम्पल हो सकता है. ड्रिल मशीन, ड्रिलिंग मशीन हो सकती है, गुड. गियर शिफ्ट भी, गियर लिफ्ट, यस, गियर लिफ्ट भी, क्योंकि उस पे भी वो स्वर्ल्स लगाए होते हैं, वेरी गुड. ये किस बच्चे ने आंसर दिया है, जिसने भी दिया है, इट्स गुड. हरगुन कौर ने आंसर दिया है, वो ओके. चेयर, आई थिंक आप चेयर वो बात कर रहे हो जो ऑफिस चेयर या फिर गेमिंग चेयर होती है, वो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं उस पे, बट स्वर्ल्स नहीं होते, स्वर्ल्स होने जरूरी है. ओके, नाउ यू पीपल विल राइट द एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन सतवीर ने लिख दिया सबसे पहले. रैम्प, गुड, यस, रैम्प लिख सकते हो आप. और भी अगर आप देखोगे, जो रोड्स होते हैं हिली एरियाज में, वो भी एग्जांपल लिख सकते हो. रोड्स ऑन हिली एरियाज, हिली एरियाज में जब आप जाते हो, हिमाचल वाली साइड, हमारे हिमाचल हमारे स्टेट के बहुत पास है ना, नेबरिंग स्टेट है, वहां पे आप देखोगे, वहां पे हमेशा इंक्लाइंड प्लेन की फॉर्म में ही रोड बने होते हैं, क्योंकि वहां पे चढ़ना फिर इजी है. रोड्स इन हिली एरियाज आप बताते हो. स्केटबोर्ड रैंप, यस, गुड. ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ वेज. ट्रक का डोर जो स्लाइड होता है, स्लाइड्स होनी बट चाहिए उस पे. वेज की एग्जांपल, एक्स लिख रहे हैं बच्चे, नाइफ लिख रहे हैं, यस. अर्षदीप, ये एक्टिविटीज हो जाए फिर मैं आपका डाउट्स लेती हूँ. ओके, एक्स है, नाइफ है, यस, गुड. कटर, कोई भी कटर हो सकता है, ठीक है. पुली के एग्जांपल्स, पुली के एग्जांपल्स लिख सकते हो आप. पुली कहाँ पे यूज होती है? वेल फॉर ड्रॉइंग वाटर, यस. एनी अदर एग्जांपल? सीट बेल्ट, वेरी गुड. सीट बेल्ट में भी पुली होती है. नयन भाटिया ने लिखा है आंसर, वेरी नाइस. आपको आपके आसपास बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी बच्चे, बहुत चीजें. एलिवेटर, यस, जो लिफ्ट हम यूज करते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स होती हैं,
ऊपर जाने में हेल्प करती है, वहां पर भी पुलिस होती है, उनका थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट होता है बट होती पुलिस ही है वो। कर्टन्स टू ओपन, कर्टन्स टू ओपन एंड क्लोज ऑन स्टेज, यस वहां पे भी पुली लगी होती है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल की आपने देनी है एग्जांपल साइकिल में, यस साइकिल में एक रोड लगी होती है, कार्स में, यस कोई भी व्हीकल है वहां पर दो टायर्स एक रॉड के साथ जॉइंट होने चाहिए, टॉय कार्स में होते हैं, ठीक है, तो वो व्हील एंड एक्सल फॉर्म करते हैं। ओके सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, वी हैव 5 मिनट्स। टाइप, लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपने 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस की है, आप 4 आंसर्स लिखोगे, ठीक है, 4 के 4 के नेम लिखोगे आप एक ही मैसेज में, ओके एक ही मैसेज में आपने 4 आंसर्स लिखने हैं। जपनीत ने 2 लिखे हैं, जपनीत आपने 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने आपको करवाए हैं, आपने 4 के 4 ही लर्न रखने हैं और 4 आंसर्स, 4 के नेम आपने सेम आंसर में लिख के देने हैं। राइट डाउन योर आंसर्स। यस एंस का सबसे पहले करेक्ट बिल्कुल आंसर आया है और कंप्लीट आंसर आया है, वेरी गुड एंस। यस आर्यन ने लिख दिया है, सक्षम, सक्षम ने बिल्कुल एंस जैसे लिखा है क्योंकि एंस का आंसर एवरीवन चैट में गया है। आदिल ने भी सेम एंस का ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बच्चे मुझे डायरेक्ट मैसेज किया करो, फिर बाकी बच्चे आपके मैसेज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यस गुड, सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स की आप एक कंडीशन दोगे जहां पे एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, जल्दी से आप एक कंडीशन बताओगे जहां पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। साइक्लिंग, वेरी गुड, ये हमने लास्ट एक्टिविटी में भी किया था। अब आज की ये 3 एक्टिविटीज में सब कुछ इंक्लूड हो गया है आपके चैप्टर का, एवरीथिंग, साइक्लिंग, रनिंग, वेरी गुड, एंड मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के एग्जांपल देंगे आप, सॉइंग मशीन, यस गुड, सॉइंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल फोर्स क्योंकि हम जब मशीन चलाते हैं तो उसके अंदर के टूल्स वर्क करते हैं, ठीक है, जिससे जो स्टिचिंग वर्क है वो होता है, तो वो उसमें टूल्स वर्क कर रहे हैं, मशीन वर्क कर रही है, सो दैट इज मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चे, बहुत सारी, आप पेपर कट कर रहे हो सीजर की हेल्प से, आप स्क्रू टाइट कर रहे हो एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या किसी भी क्लंप की हेल्प से, ये सारे एग्जांपल मैकेनिकल फोर्स की हैं। ओके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एग्जांपल दोगे, पेन एंड पेपर नहीं, नहीं थ्रोइंग अ बॉल नहीं, वॉकिंग ऑन द अर्थ, थोड़ा सा अच्छे से लिख के बताओगे, रबिंग हैंड्स, ठीक है, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। कार अकेला लिख के, बाइसिकल, बॉल अकेला लिख के हमें ऐसे नहीं ना पता चल सकता कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एग्जांपल है। ब्रेक ऑन द साइकिल, डेफिनेटली करेक्ट, बिल्कुल नयन भाटिया, गुड। मूविंग बॉल ऐसे नहीं लिख सकते, राइटिंग, राइटिंग ओके, राइटिंग इज ओके, ठीक है, बिकॉज वी कैन ओनली राइट इफ देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Rubbing hands, moving a car, rolling a ball, opening box. Okay, brakes apply होना,
ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की क्या एग्जांपल्स होंगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी में तो कुछ भी आप लिख सकते हो ना, कुछ भी, कोई भी चीज आप ऊपर थ्रो करोगे वो नीचे आएगी ही, आप खुद जंप करते हो आप खुद नीचे आते हो. फॉलिंग एप्पल ऑन द अर्थ, वेरी गुड जपनीत. थ्रोइंग अ बॉल, आपने थ्रोइंग अ बॉल में ग्रेविटी नहीं देखो, थ्रो कर रहे हो वो वहां पे थोड़ी ग्रेविटी जा रही है, जब बॉल नीचे आ रही है वहां पे ग्रेविटी वर्क कर रही है. ठीक है, फॉलिंग ऑफ बॉल लिख सकते हो आप. जंप आप कर रहे हो उसमें आपका मसल्स यूज हो रहे हैं, आप नीचे आ रहे हो उसमें ग्रेविटी यूज हो रही है. ड्रॉप अ ग्लास ऑन द ग्राउंड, ड्रॉपिंग ऑफ अ ग्लास ऑन द ग्राउंड, ये है करेक्ट सेंटेंस आर्यन. ठीक है, जब ड्रॉप हो जाता है फॉलिंग हियर बैंड, वेरी गुड. कोई भी चीज फॉल करती है तो वो नीचे आती है, तो वो एग्जाम्पल होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट activities today.